ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੱਲਦੇ। अमृत कौर कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब पटियाले के। अगर बात की जाए तो आप आपने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, कैसे शुरुआत हुई थी आपकी गेम की? मैं स्कूल लेवल से शुरू की थी ये इस शुरुआत मैंने मेरे डीपी ने करवाई थी, जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने ही भेजा था मेरे को कि हाँ गेम करो, गेम से तंदुरुस्ती आती है तो हेल्दी होते हैं, तो आप जाओ वहाँ से अपने जो है हेल्थ ठीक करो, अपने आगे बढ़ो, गेम करो, गेम से अच्छी आगे जॉब मिलती है, तो इसलिए मैंने गेम करनी शुरू की। अगर बात की है तो कुछ तस्वीरें आपकी देखी थी मैंने। हाँ जी। कि आपके बेटे के साथ हम साइकिल पर ब्रेड वगैरह बेच रहे हो, कैसी शुरुआत हुई आपकी ब्रेड वगैरह की? गोल्ड मेडल होने के बाद क्योंकि आपको नौकरी वगैरह नहीं मिली, सका कोई नौकरी नहीं मिली, कोई जॉब नहीं मिली, कोई कुछ नहीं, जिंदगी इस मुकाम ते ले आई कि हुण ब्रेड बेच के ही अपना गुजारा कर रही हूँ। अपने ये कोरोना जब से कोरोना का ये आया है, लॉकडाउन होया तभी से मैंने शुरू की है। अगर बात की जाए तो उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं खाना बनाती थी, मैं एकेडमी में लगी हुई थी, वहाँ पे खाना बनाती थी, बर्तन मानती थी, फिर कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया, उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, फिर मैंने ब्रेड बेचनी शुरू की। सरकार की तरफ से आपको कोई भी सहायता नहीं दी जा रही? नहीं, कोई नहीं सहायता दी। अगर बात की जाए तो कौन कौन सी गेम में आपने गोल्ड मेडल जीते हैं? मैं वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने इंटरवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिए हैं 4, तो पावर लिफ्टिंग में मेरे गोल्ड मेडल हैं नेशनल में, सीनियर नेशनल में है, जूनियर में भी हैं, सीनियर में भी हैं। अगर पढ़ाई की बात की जाए तो कहाँ तक अपने पढ़ाई की है? मैं पढ़ाई सेकंड ईयर की है, लेकिन मेरी वो किसी भी काम की नहीं है पढ़ाई, जब मेरे को कुछ मिला ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं मिला, तो मेरी उस पढ़ाई भी किसी काम की नहीं है। अगर कोई बात की जाए तो आपके दो बच्चे भी हैं, स्कूल में ही पढ़ते होंगे, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो कितनी कितनी एज है? मेरा बेटा जो है 12 साल का है, वो 7वीं कक्षा में अभी हुआ है, तो बेटी जो है वो 6 साल अभी लगा है उसको, वो UKG में है, अभी UKG में हुई है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? वो माता गुजरी में पढ़ते हैं। अगर बात की जाए तो स्कूल की तरफ से भी फीस के लिए कोर्स किया जाता होगा, आपको कैसे मैनेज करते हो आप? अभी तो मैं मैडम को बोल कर आई हूँ कि मेरी नौकरी का कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है मेरे पास, मेरा तो अपना घर का गुजारा नहीं चल रहा, मैं गुरुद्वारे से खाना लेकर खा रही हूँ, लेकिन मैं अभी फीस भरने के काबिल नहीं हूँ, मैं फीस नहीं भर सकती। स्कूल की तरफ से भी आपको फीस के लिए तंग किया जा रहा है, सरकार की तरफ से आपको कोई कोई मदद नहीं है, कोई कुछ नहीं है।